वाल्मीकि नगर लोकसभा भारत का लोकसभा संख्या एक वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट दूर दराज के इलाके बॉर्डर के इलाकों के लिए जाना जाता है यहाँ के सांसद सतीश चंद्र दुबे हमारे संवाददाता के साथ खास बातचीत में बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा नमस्कार मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज़ इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के युवा सांसद सतीश चंद्र दुबे चलिए उन्हीं से एक मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र से जुड़ी कुछ बातें और किस तरीके से आने वाले चुनाव में क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है तो हमारे साथ सतीश दुबे जी मौजूद हैं हम बात करते हैं सतीश जी सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी सरकार ने स्वर्ण आरक्षण को लेकर यानी दस प्रतिशत आरक्षण रखा है चुनाव से ठीक पहले क्या ये राम मंदिर की तरह चुनावी हथियार तो नहीं देखिए अब हर दृष्टिकोण से देखिएगा एक के दृष्टि से देखिएगा तो तब आप जो कहेंगे मानने के लिए हम लोग तैयार हैं लेकिन मैं मानता हूं कि संविधान में संशोधन करके किया गया है और इसको लागू करने के लिए किया गया है कल राज्यसभा से भी पास हो गया अब राष्ट्रपति के यहाँ से पास हो जाएगा और वो लागू हो जाएगा इसमें कहीं संदेह नहीं है वो राम मंदिर की बात जो आप कर रहे हैं कह रहे हैं तो राम मंदिर कोर्ट में है और कोर्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं जिस दिन कोर्ट फैसला देगा उसके बाद हम लोग करेंगे उसको भी अच्छा वाल्मीकि नगर एक नंबर वन लोकसभा सीट कही जाती है वहाँ से आप सांसद हैं तो वहाँ के क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या काम किया देखिए वहाँ के क्षेत्र के लिए तो मैंने बहुत सा काम किया है और बात कीजिएगा तो 10 मिनट उसी पे चर्चाएं हो जाएगी लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब मेरा जो कंचुएंसी ऐसा था जब तार पोल नज़र आता था तो समझ में आता था कि उत्तर प्रदेश है बहुत सा कंचुएंसी का पार्ट ऐसा था कि तार पोल राजीव गांधी विद्युतकरण योजना के तहत लगा दिया गया था लेकिन ट्रांसफार्मर के अभाव में गाँव वंचित था बहुत सा गाँव में बिजली लग गई थी लेकिन आधा अधूरा लगा था बहुत सा ऐसा पंचायत था जहाँ बिजली गया ही नहीं था बहुत सा ऐसा प्रखंड था जहाँ बिजली गया ही नहीं था तो पहला मेरा उद्देश्य रहा मेरा लोकसभा में पहला क्वेश्चन था और उसको मैं पूर्णतः आज मैं अपने कंस्टिन्सी में बिजली के मामले में बहुत संतोषपर्द काम करवाया है और पब्लिक आज की डेट में बीस घंटा बिजली का उपयोग कर रही है अच्छा इस बार जे डी यू से अलायंस हो गया है आगे बहुत सा काम हमने किया है उस पर चर्चा कीजिए आपने कौन कौन सा काम किया है नहीं नहीं। एक संक्षिप्त चर्चा करके और नहीं वो फिर बहुत बहुत मुझे लगता है सतीश जी बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बता देता हूँ मोटा मोटा जी, जी बताइए मेरा जो कंस्टिसी था एनएच नाम का चीज ही नहीं था अटल जी की सरकार में ए एन घोषित हुआ था लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ था मैंने चुनाव जीता सरकार मेरी बनी तो पहला एन भी एक मुद्दा रहा बहुत दिनों के बाद ओवर ब्रिज की चर्चाएं हम लोग जब जाते थे बिहार में कहीं दूसरे जगह या बिहार से बाहर तो ओवर ब्रिज देखते थे आज मेरे यहाँ ब्रिज की जाल बिछ रही है आप रेलवे लाइन की बात करते हैं तो रेलवे लाइन हमारे यहाँ कभी चंपारण कहने के लिए देश को आज़ादी दिया था लेकिन विकास के मामले में कोसों दूर रहा इन कांग्रेसी लोग उसको काफ़ी दूर रखा लेकिन आज दोहरीकरण का भी विद्युतकरण का भी आज हमारे यहाँ रेलवे दोहरी ट्रैक बनेगी इसके लिए भी टेंडर हो चुका है बहुत से विभिन्न मुद्दों पे हमने काम करने का प्रयास किया रोड हो बिजली हो सड़क हो या आप बैंक के मामले में चले जाइए या आप चले जाएं हमारे यहाँ एक नगर जहाँ जगह की आप बता रहे हैं वहाँ भंसार उससे काफ़ी दूर पर है आप चले जाएं यूपी में भंसार है रक्सौल में है वहाँ भंसार भी पास करवाने का हमने प्रयास किया है और भंसार भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा साढ़े चार साल बीत चुके हैं साढ़े चार साल बीत चुके हैं तो अब क्या छः महीने में लगता है ऐसा नहीं है कि वहाँ वहाँ अपना कस्टम विभाग का जमीन नहीं था जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है और दूसरे विभाग से जमीन अधिग्रहण करने में समय लगता है और प्रोसेस होकर टेंडर प्रक्रिया तक पहुँच आई काम करने में भी, भी समय लगता है दो एक स्टेट से मंगाना है जमीन का ब्यौरा और यहाँ से केंद्र से उसको करना है तो प्रक्रिया है बाकी धरातल पर जाके काम देखेंगे तो पहले से वाल्मीकि नगर काफी बदला हुआ नगर है अच्छा सवाल ये आता है कि अब की बार जिस तरीके से पार्टी के अंदर सरकार के अंदर उठा पटक है अलायंस हो चुका है ठीक है ना ऐसे में आप अपने आप को कितना महफूज मानते हैं क्या लगता है अब की बार आपको वाल्मीकि नगर से जो है लोकसभा चुनाव के लिए सीट मतलब कि टिकट मिलेगा मेरा मानना है कि मैं उन्नीस सौ तिरानवे जब इंटर किया उसी समय से मैं बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया और हर असंभव काम को संभव करना मेरा प्रयास रहा है और मैं लगातार विधायक भी रहा है एम पी भी बना हूं और मैं बीजेपी के एक कर्जकर्ता हूं मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है बिहार नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि मुझे कही न कहीं ना कहीं कर्ज करता है अच्छे कर्जकर्ता पार्टी के नज़र में है तो उपयोग कहीं ना कहीं किया जाएगा अच्छा सर ये कहा जा रहा है कि ये सीट जो है नंबर वन मानी जाती है वाल्मीकि नगर की ऐसे में आपने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई जो आपने कार्य किए वो भी आपने गिनाए आप कौन सा ऐसा ठोस चीज़ मानते हैं जिसके आधार पर आप जो है पार्टी से वहाँ की टिकट दे सकते हैं हम कर्ज करता है हम पार्टी को वहाँ बहुत मजबूती से मजबूत करने का प्रयास किए हैं और चंपारण हम आपसे बताए हैं कि केवल आज़ादी के बाद चंपारण को कांग्रेस के लोग केवल सत्ता सुख भोगने का जगह बनाया था लेकिन एन गठबंधन के समय में मोदी जी के समय में हमने वो काम करने का प्रयास किया है उस जगह विकास के किरण पहुंचा है जहां विकास के किरण कभी पहुंचा ही नहीं था अच्छा चलिए बात करें नरकटियागंज की आपके क्षेत्र में ही आता है नरकटियागंज कहा जाता है कि वहां पर आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है कोई रास्ता नहीं है साढ़े चार साल में क्या आपने या फिर आपकी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा देखिए अब आप पैंसठ साल की कोड़ को पाँच साल में नहीं समाप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि पहला कोई जादू की छड़ी हम लेके आ गए हैं मोदी जी आ गए हैं कि जादू की छड़ी चलाएंगे चारों तरफ नक्शा ही बदल जाएगी आप नरकटियागंज अगर जाते हो तो जाके देख लें कि वहाँ ओवर ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था और आज वहां नब्बे परसेंट ओवर ब्रिज बन के कम्प्लीट हो चुका है और रेलवे का रिमोडलिंग करने का जब दोहरीकरण होगा तो रेलवे का रिमोडलिंग भी होगा और उसके लिए फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो बाजार स्टेशन जाने के लिए रास्ता उत्तर दिशा से भी रहेगा और दक्षिण दिशा से भी रहेगा नहीं सर ये तो ये तो सारे वादे हो गए सर वादे नहीं, नहीं सवाल सवाल ये है कि क्या किया कौन सी कौन सी ऐसी बात आप कहना चाहते हैं जो जनता क्योंकि ये जनता जनता भी सुनेगी जनता भी देखेगी तो कम से कम कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते कि हमने कार्य कर चुके हैं क्योंकि अब आपके पास जो है वक्त बहुत कम है आप आपसे मैं बता दिया ना आप शायद नहीं दिए बिहार का सबसे बड़ा ओवरब्रिज बन रहा है और उसका नब्बे परसेंट काम पूरा हो गया है हम जनवरी में उसको उद्घाटन करेंगे जो चालू होगा और रेलवे दोहरीकरण के साथ साथ हर स्टेशन का रिमोडलिंग की बात आई है तो रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण भी होगा उसका रिमोडलिंग भी होगा और पब्लिक के आने जाने के लिए जो स्टेशन की बात आप कर रहे हैं कि किधरों से रास्ता नहीं है तो मैंने कहा कि उत्तर दिशा से भी फुट ओवर ब्रिज ला हर प्लेटफॉर्म पर और दक्षिण दिशा से भी लाके फुट फुट ओवर ब्रिज हर स्टेशन पे उतारने की प्रयास की जाएगी और प्रयास नहीं पास भी हो चुका है वो भी उसका भी टेंडर प्रक्रिया है और मैं आपसे बता दूं कि दो, रेलवे दोन का शिलान्यास हो गया है और उसका टेंडर का भी काम पूरा हो गया है अब काम शुरू होगा अच्छा वाल्मीकि नगर एक टाइगर प्रोजेक्ट है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि टूरिज्म को लेकर आपकी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है आप उन्नीस के पहले वहां अगर जाते तो शायद आप 2005 के पहले अगर वहाँ जाते तो आप दिन में भी जाने से डरते लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार आई और जंगल राज समाप्त हुआ और आज वहाँ हर साल टू टु। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं और वहाँ हमने होटल बहुत अच्छा अच्छा दिया है सरकारी स्तर पे भी दिया है प्राइवेट स्तर पे भी लोग अपना बनवाया है और पार्क को सजाने का वहाँ बहुत सुंदर पार्क बन रहा है गंडक नारायणी के किनारे जो एक देखने वाला है और आप सफारी सवारी भी कर सकते हैं जंगल में और जंगल में अच्छे अच्छे जीव जंतु जो जंगल के राजा होते हैं ये सब सारे जीव जंतु भी वहाँ उप, उपलब्ध हो चुके हैं और मात्रा में हुए हैं जंगल को भी सजाने का प्रयास किया गया है झूला भी बनाया गया है तरह तरह की वहाँ स्कीमें डाली गई है और पहले 2005 से पहले और इस समय से, से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बदलाव हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2005 के पहले जितनी सरकारें थी अगर ध्यान दिया होता तो बिहार में ऐसे अच्छा जगह दूसरा कोई नहीं होता जो आज वाल्मीकि नगर है अच्छा आपके क्षेत्र के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है सुगर मिल वहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ पर गन्ने की तोल को लेकर और पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी धांधलेबाजी रहती है ऐसे में कभी आपने या आपकी सरकार ने कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं किया शायद आपको जो बताया वो ध्यान नहीं आप ध्यान से नहीं और सब नहीं ले पाए कोई ऐसा साल नहीं है कि जो मिल मैनेजमेंट पर एफ नहीं होता हो पिछले साल धर्मेंद्र जी एस थे बगहा में अपने से कांटा सेंटर को जांच किया और मिल मैनेजमेंट के कर्मचारी पर एफआईआर करने का काम किया जी सर एफआईआर की नहीं पूछ रहा हूँ कार्रवाई क्या की गई एफ ठीक है एफ होगी उसके बाद क्या काम तो एफ आई आर ना होता है किसी भी के, केस में पहले जांच की प्रक्रिया में एफ ही होता है मिल बंद करवा देना एक सलूशन नहीं है सरकार की और एफ से कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता है अब एक ही काम बचाएगा जो मिल बंद करने की जो जनता हित में नहीं है और न सरकार हित में है न कर्मचारी हित में है जो गलत मालिक थोड़े कहता है कि घटतौली करो उसके कर्मचारी करते हैं तो उस पर एफ होता है वो अपना बेल कराता है उसको पनिश होगा और जराहा पेमेंट की बात तो मानवर पेमेंट की प्रक्रियाएं हमारे जिला में बहुत बेहतर था लेकिन पिछले साल से परेशानी बढ़ी है और सरकार भी इस पर प्रोटेक्शन दे रही है क्या आपको नहीं लगता कि एफ के अलावा भी सरकार या फिर कोई कोई इस तरीके का प्रावधान लाया जा सकता है जिससे कि बताइए देश की आजादी उन्नीस में हुआ आजादी के बाद अगर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों का हमेशा सजा दिया जाता है क्या भ्रष्टाचारी बंद कर दिया भ्रष्टाचार गलत करने वाले को हमेशा सजा देती है कोर्ट गलत होना बंद हो गया क्या देश में ट्रांसफर पोस्टिंग का जगह है कर्मचारी पर एफ आई आर होता है फिर उसकी ट्रांसफर होती है दूसरा आता है गलती करता है फिर उस पर भी एफ होता है वो अब अपने पा, न्यायपालिका का काम है सर इसका न... मतलब ये है कि एफ पर एफ होती रही लेकिन धादलेबाजी नहीं रोकी जा प्रयास किया है। गया है बहुत सुधार होता है नो डाउट हर साल जब एफ होता है तो उस साल निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है और उससे अच्छे ऐसा नहीं है कि सब सब चिन्हें मिल वैसा करता है ऐसा भी नहीं है बहुत ईमानदार कर्मचारी भी है बहुत ईमानदार उसके प्रोजेक्ट मालिक भी हैं जो घटतौली नहीं करते हैं एकाध करते हैं तो उस पर एफ आई होता ही होता है अच्छा सर बात करें अगर गवर्नमेंट की क्योंकि किस अब पिछले आ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ फैसले अहम लिए नोटबंदी को मान लें या फिर जीएसटी को मान लें या फिर दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो सीलिंग को लेकर काफ़ी हाहाकार मची दिल्ली के अंदर भी देखा जाए तो ऐसे में क्या लगता है दो के अंदर आप अपने आप को या फिर गवर्नमेंट अपने आप को कितना महफूज मानती है देखिए अगर देश को मजबूत करना है देश हित में काम करना है तो निर्णय कठोर तोल होता ही होता है सत्य कड़वा होता है कहीं संदेह नहीं है और गवर्नमेंट सत्य काम किया है हम पार्टी को मजबूत करने पार्टी को नहीं सरकार को मजबूत करने के लिए देश को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाई है का, पार्टी ने अच्छा आने वाले लोकसभा चुनाव में वैसे आपके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे या फिर आपकी क्या तैयारी रहेगी उसको लेकर देखिए विकास मेरा एजेंडा है और खास करके मैं जिस कंस्टिटेंसी से आता हूं वहां विकास हुआ है इस साल पाँच साल में विकास हुआ है 2005 से विकास के पटरी पे हमारा बिहार चल रहा है उसमें वाल्मीकि नगर भी चल रहा है लेकिन बहुत सा स्कीमें नहीं हुई थी जिसको हमने करने का प्रयास किया है और जो बाकी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे बिहार की जनता से क्या कहना चाहते हैं आप क्या क्या मैसेज होगा ये आवाम के लिए क्या पैगाम देखिए बिहार की जनता को तो मैं या पूरे देश की जनता को मकर संक्रांति के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि देश में पहला कोई मजबूत प्रधानमंत्री मिला है जो डिसीजन करने के लिए दस जनपद में नहीं जाना पड़ता है अपने खुद से फैसला करता है और उसको लागू करता है और देश का मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया है इसलिए एनडीए गठबंधन को वोट करें और फिर से भाई नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को वापस लाए तो ये थे सतीश चंद्र दुबे बिहार से युवा सांसद कहे जाते हैं झुझारू आपने इनकी आवाज़ से ही ये पहचान लिया होगा कि वाकई झुझारू नेता हैं और इन्होंने जिस तरीके से बिहार की जनता के लिए काम किया है आने वाले वक्त में अगर इनकी सरकार दोबारा बनती है तो ये पूरे देश के लिए इसी तरीके से काम करेंगे राजनीति की खबरें देखनी हो या क्राइम की उन तमाम खबरों को हम दिखाएंगे आर सोनी न्यूज़ पर तो जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल आर सोनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें आर सोनी न्यूज़ की पूरी टीम लगातार उन खबरों को ढूंढ कर लाती है जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट को डब्ल्यू को और आप नीचे लिखे हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्षेत्र की कोई भी खबर और अपनी समस्या को हम तक भेज सकते हैं